Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। इमरान खान पैदल चलकर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम पहुंचे। इमरान खान को आईजी इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में अदालत पहुँचाया गया। मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई का एहतजाज, हंगामा आरई, हालात काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी अहलकार तायुनात। पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। किसी सियासी पार्टी को कलदम करने की हिमायत नहीं करते। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो नुकसान पूरी सियासत का होता है। पीटीआई को फैसला करना पड़ेगा कि सियासी जमात रहना चाहते हैं या नहीं। चीन में तैयार किए जाने वाले दो जंगी जहाज़ों की पाक बहरिया में शमूलियत। दोनों जहाज़ जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट में नायब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट में नायब के हाथों गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मेनुल्ला पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के तीन रुकनी बेंच ने समाअत की और चेयरमैन पीटीआई की नायब के हाथों अल कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान ने कहा कि मैंने तमाम वक्त सपोर्टर से कहा कि पुरअमन रहें, मेरे खिलाफ दहशतगर्दी समेत 150 मुकदमात बनाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमेशा अपने लोगों से कहा कि इंतशार में नहीं पड़ना, जो इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार कैसे पैदा करेंगे। माहिर कानून बाबर ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हाई कोर्ट में कार्रवाई कल से उसी जगह से शुरू होगी जहां से इमरान खान को अगवा किया गया था। उन्होंने कहा कि इमरान खान नैब की तहवील में नहीं रहे, अब हाई कोर्ट में पेश होंगे। प्रिंसिपल तय कर दिया गया कि अदालत से किसी को इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाबर ऐवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि अदालत में जो भी आएगा उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी का इख्तियार नहीं है कि वो आहाता अदालत से किसी को भी गिरफ्तार कर ले। कबल अजी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क दिए, अदालत से गिरफ्तारी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मेनुल्ला पर मुश्तमिल
सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो मुकदमा मुकर्रर था वो शायद कोई और था। अदालती हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त जमानत दायर हुई थी लेकिन मुकर्रर नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इमरान खान को कितने लोगों ने गिरफ्तार किया, जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि 80 से 100 लोगों ने गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 100 लोगों के अदालती अहाते में दाखिले से खौफ फैल जाता है। रेंजर्स अहलकार अदालती अहाते में आए तो एहतराम का कहा गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान के एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव के वाकयात का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी और बाद अज़ां अदालत से उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद पीटीआई क़यादत की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी असद उमर, फवाद चौधरी और अली जैदी समेत दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा है जबकि हालात काबू में रखने के लिए सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान के एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव के वाकयात का सिलसिला जारी है। पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज के दौरान लाहौर में कंटेनर और पुलिस वैन को आग लगा दी। पेट्रोल टैंक फटने से जोरदार धमाका हुआ। पंजाब में पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी इदारों पर हमलों, तोड़फोड़, जलाओ घेराव में मुलविस 2217 शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में पंजाब भर में 150 से ज्यादा अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पंजाब भर से अब तक 1400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई कारकुनों ने मुल्क भर में जलाओ घेराव के दौरान जो चीज सामने आई तोड़ डाली और जला डाली। पुलिस और दीगर इदारों की 25 से ज्यादा गाड़ियां जलाई गईं जबकि मुजाहरे के दौरान 5 मोटरसाइकिलों को भी आग लगाई गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और तमाम शरपसंद अनासिर को ट्रेस करके गिरफ्तार कर रहे हैं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार 25 अफराद का 15 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर रद्द अमल को रोकने के लिए मुल्क भर में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस बंदिश की वजह से 2 रोज के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को रेवेन्यू में 1.6 अरब रुपए के नुकसान का सामना है। ज़राए टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि टेलीकॉम खदमात बंद होने से हुकूमती महसूलात में 57 करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा है, जबकि इंटरनेट ब्रॉडबैंड से कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, होम डिलीवरी, राइट सर्विसेज मुतासर हुई हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी सियासी पार्टी को कलदम करने की हिमायत नहीं करते। एक हमला GHQ पर TTP ने किया और अब PTI ने किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि किसी सियासी पार्टी को कलदम करने की हिमायत नहीं करते। एक हमला GHQ पर TTP ने किया और अब PTI ने किया। अब PTI को फैसला करना पड़ेगा कि सियासी जमात रहना चाहते हैं या नहीं। वजीर खारजा और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उसूली तौर पर किसी सियासी पार्टी को कलदम करार देने के हक में नहीं हूँ। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो पूरी सियासत का नुकसान होता है। किसी सियासतदान की गिरफ्तारी पर हमने कभी खुशी नहीं मनाई। हम किसी सियासतदान की गिरफ्तारी पर जश्न या मिठाई नहीं बांटते। उन्होंने कहा कि हालात को देखकर ऐसे फैसले किए जाते हैं। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो वो मजबूरी के बाइस किया जाएगा। जो दहशतगर्दी कल की गई कोई और तंजीम करती तो उसको नतायज का सामना करना पड़ता। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि PTI अगर सियासी जमात रहना चाहती है तो पुरअमन एहतजाज की कॉल देती। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो सियासत का नुकसान होता है। पीपल्स पार्टी शुरू से नैब के खिलाफ है लेकिन PTI ने नैब का दिफा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेट्स में 2008 से 2013 तक नैब को बंद करना शामिल था। इमरान खान ने इसको मुखमुका करार दिया और नैब को बचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। चीन में तैयार किए जाने वाले 2 जंगी जहाज PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन में तैयार किए जाने वाले 2 जंगी जहाज PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हो गए। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना था कि दोनों जहाज जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस हैं और दोनों जहाज हर किस्म के जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और रिवायती कमांड स्क्रोल्स
जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के हवाले की। तफसीलात के मुताबिक पाक बहरिया के तर्जुमान की जानिब से बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के लिए तामीर करदा दो जदीद जंगी बहरी जहाज़ों PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां के पुरवकार कमिशनिंग तकरीब चीन के हेडोंग जोंगहा शिपयार्ड शंघाई में मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर उल बहर ने इस बात पर रोशनी डाली कि PNS टीपू सुल्तान और PNS शाहजहां की कमिश्निंग पाक चीन दोस्ती में एक नए बाब का आगाज है जो एतमाद एहतराम और बाहमी तआवुन के सतूनों पर मजबूती से कायम है और ये हमारे दिफाई तआवुन से जाहिर है। मेहमान खसूसी ने वाजे किया कि टाइप AP-054 रॉजिक की तकमील समंदरी खतरात का जवाब देने और खत्ते के अमन व इस्तेहकाम में किरदार अदा करने की सलाहियतों को मजबूत करने की तरफ एक अहम कदम है। अमीर बहर ने मजीद कहा कि अवामी जमहूरिया चीन के तआवुन से पाक बहरिया ने अपनी कुव्वत और सलाहियतों में इजाफे के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए हैं। नेवल चीफ ने वबाई चैलेंजेस के बावजूद मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए सेस्टिन बोमेटेक चीनी बहरिया हेडोंग जोंगहा शिपयार्ड और CSTC समेत बहरी जहाज़ों की तामीर में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की मुश्तरक कोशिशों को सराहा। चीन में तैनात पाकिस्तान के सफीर और हेडोंग जोंगहा शिपयार्ड के हुक्काम समेत आला सिविल और अस्करी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पाक बहरिया के लिए 4 मल्टी रोल फ्रिगेट्स की तामीर का मुहैदा 2018 में हुआ था, जिसके तहत पहले 2 बहरी जहाज़ PNS अतकरल और PNS तैमूर 2022 में पाक बहरिया के बेड़े में शामिल हुए। इन जहाज़ों की तामीर जदीद स्टील डिज़ाइन पर की गई है, जिसमें समंदरी खतरात से निमटने के लिए बयाक वक्त मुतादिद बहरी ऑपरेशंस अंजाम देने की सलाहियत मौजूद है। 4000 टन वजनी ये जहाज़ तकनीकी तौर पर जदीद और इंतहाई काबिल प्लेटफॉर्म है, जिनमें सतह से सतह ज़मीन पर हमला, सतह से हवा और ज़ेरे आब हमला करने के साथ साथ निगरानी की वसी सलाहियत मौजूद है। ये बहरी जहाज समंदरी तिजारती गुजरगाहों के तहफ़ में अपना किरदार अदा करते हुए डिटरेंस और खत्ते में खतरात से बचाव के लिए किरदार अदा करेंगे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे इस ब्रेक के बाद। टैग टीवी ब्रिंग्स यू डेली न्यूज बुलेटिन फ्रॉम पाकिस्तान, ब्रेकिंग न्यूज, व्यूज एंड हेडलाइंस फ्रॉम पाकिस्तान। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, सना कादिर, कौकब फारूकी, अर्जुन जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान।